जितना भी इस खुदाई में मिला है उसने भारत के इतिहास में किन परिभाषाओं को जोड़ा है? यू आर वॉचिंग अनबाउंड इंडिया। हाँ, ये देखिए, आमतौर पर जब हम ये बरियल वगैरह की खुदाई करते हैं, बरियल साइट की, तो हमको उस संस्कृत के बारे में थोड़ा सा अंश पता लगता है कि मृतकों का हमने सम्मान कैसे किया, उनके साथ क्या क्या दफनाया। जैसे इजिप्ट में तो अद्भुत चीज़ें हैं, बहुत बेशकीमती चीज़ें, उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रेनाइट पत्थर, जबकि लोहा वगैरह कुछ नहीं था, काट के उसका कॉफिन बनाया, उस कॉफिन के अंदर दूसरा कॉफिन, तीसरा कॉफिन, लकड़ी का कॉफिन है, और सब में पेंटिंग वगैरह बड़ी सुंदर वगैरह, और कितने जेवरात वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें वो मरे के बदन में भी और मरे के आसपास, वो तो खैर मसालों से मम्मी बना देते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में उर की खुदाई से पता लगा कि वहाँ तो राजा रानी जब मरते थे तो उनके दास दासियों को भी, उनकी वो रथ जो बैल खींचते थे उनके साथ ही दबा दिया जाता था। रानी का भी पूरा श्रृंगार है और उसकी दासियों का भी पूरा श्रृंगार है, इतना सोना चांदी बर्बाद किया उसने। अब भारत में आप आएंगे, हमने मृतक का सम्मान बहुत किया, मृत्यु का बहुत सम्मान किया, लेकिन हम लोग बहुत मेटेरियलिस्ट थे, वह यथार्थवादी भौतिकवादी थे। हमने मौत पे अपनी संपदा वेल्थ को नष्ट नहीं किया, चाहे हड़प्पा के बरियल देखे, चाहे उससे पहले के बरियल देखे। कुछ पॉटरी रख देंगे हम, बर्तन रख देंगे, एक आध गहने के थोड़ा हिस्सा रख देंगे, एक सोने का टुकड़ा रख देंगे, और एक माला रख देंगे या माला का सिर्फ दाना रख देंगे सम्मानपूर्वक। अब मैंने तो बहुत सारी ये कब्रें खोदी थी धौलावीरा में, वहाँ तो स्केल्टन भी नहीं है, एक स्केल्टन को छोड़ के दर्जनों खोदी, किसी में भी स्केल्टन नहीं मिला, और बहुत सुंदर। और कुछ कब्रें तो बहुत प्रकार की कब्रें मिली, एक प्रकार तो वो था जो आप कह सकते हैं ये तो प्रोटो स्तूप है, बहुत बड़ा उन्होंने ईंटों का चबूतरा बनाया गोल, फिर उसके ऊपर फिर एक बनाया जो रथ का जैसे चक्र होता है वो बनाया, और उन सब के बीच ये बनाया सारा कुछ उस कब्र के चारों तरफ, जिसके अंदर मान लिया गया है हमारा मृतक एंसेस्टर सोया हुआ है, और वहाँ स्केल्टन नहीं है, और उसको जो भेंट दी है, बहुत पॉटरी मिलती है, बहुत कुछ जेवरात के टुकड़े थोड़े थोड़े मिलते, ज़्यादा नहीं, और ये कहानी करी कौम बेश सब तक की है। और अब तक जो हमें तब तक पढ़ाया गया था कि ये तो दफनाते थे, शव को उत्तर दक्षिण रखते थे, और सर को थोड़ा पूरब की तरह या पश्चिम की तरह झुका देते थे, इसे कहते हम एक्सटेंडेड बरियल, जब पूरे शरीर में सीधा काट दिया जाए। तो ये धारणा धौलावीरा में टूट गई, जो कि पांच महानगरों में एक है हड़प्पा संस्कृत के, हालांकि सबसे बड़ा सबसे समृद्ध मोहनजोदड़ो था, उसके बाद आएगा गवेरी वाला, इसकी खुदाई नहीं हुई है, ये सरस्वती की घाटी में गवेरी वाला बलूचिस्तान के रेगिस्तान में, जो बलूचिस्तान चोरिस्तान के रेतीली इलाके में जहाँ से सरस्वती कभी बहती थी, और जब आप पाकिस्तान में है, और उसके बाद बड़े शहरों में था हड़प्पा और राखीगढ़ी, और इन सब में छोटा था धौलावीरा, ये भी महानगर था लेकिन धौलावीरा, लेकिन इसका महत्व तो इसलिए बढ़ा कि इसने हमें ऐसे नए नए आयाम सभ्यता को दिए जिसके बारे में पता नहीं था, या ऐसे आयामों को ज़्यादा मजबूती से प्रकाश डाला जिनको हम आधा अधूरा समझते थे, चाहे नगर आयोजन हो और ये मृतकों के संस्कार करने की वो हो, बिल्कुल एक कल्चर में रहते हुए दूसरी परंपरा है,
कहीं दूसरी परंपरा, यहाँ दूसरी परंपरा है। तो यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी थी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी। कुछ मान्यताएं इनकी थी कि मकान ऐसे बनेंगे, ये ओरिएंटेशन होगा, ये ईंटों का साइज होगा, और सड़कों का पूरी व्यवस्था होगी, सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था होगी, ऐसे मिट्टी के बर्तन बनेंगे, ऐसे धातु के बर्तन बनेंगे, ऐसे जेवर बनेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन भाई का जो 500 से 600 साल तक हड़प्पा ने जो कहते हो मेंटेन रखा, लेकिन फिर भी हर एक्सपोजिशन साइट अपने आप में मुख्तलिक है। लेकिन यहाँ जो कॉफिन मिला है काफ़ी सुंदर है, और वो इसलिए बचा रह गया कि लकड़ी का कॉफिन है, लकड़ी के ऊपर तांबे की प्लेट लगा दी, जिस प्लेट में इम्बॉस किए हुए पैटर्न्स हैं, और पहिए हैं, पहिए में कॉपर के टुकड़े लगा दिए, जड़ दिए हैं उन्होंने उस लकड़ी में। लकड़ी गल गई, लेकिन वो चीज़ जो कि तो रह गई है, उसको निकालना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जरा सी आपका चाकू इधर वहाँ सब बिखर जाएगा, सब जैसे माला टूटती है सब बिखर जाता है। लेकिन ये संजय की टीम ने, मैं दो लोग बहुत अच्छे थे वहाँ, उस बेचारे टेक्निकल असिस्टेंट ही थे, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, बड़ी मेहनत से मैंने देखा, भयंकर ठंड में, बारिश में, तूफान में, उस साल बहुत ख़राब तूफान आते थे, टेंट भी उड़ जाते थे उनके, और भयंकर गर्मी भी पड़ी थी, हर मौसम में रह के उन्होंने इतनी चीज़ों को निकाला।